माननीय श्री राकेश सिन्हा जी, आपके पास 15 मिनट का समय है। 15 उपसभापति महोदय, जब हम अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि देश कहाँ पहुँचा और किस विरासत के साथ हम चले थे। हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, यानी कांग्रेस परिवार वहाँ बैठी हुई है। अन्य दलें भी या तो उनके साथ थे या उन्हीं के गर्भ से निकली हुई पार्टियां हैं। अभी भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे लगता है सदन के प्रत्येक सदस्य को ऐसा सौभाग्य लेना चाहिए। देश कहाँ पहुँच रहा है और देश के लोग किस आत्मविश्वास के साथ विकास यात्रा में शामिल हैं, यह देखने का ये अभूतपूर्व अवसर है। बिहार के बेगूसराय जिले में, जो मेरा गृह जिला है, वहाँ एक गांव है बभनगामा। विकास यात्रा का रथ वहाँ पहुँचा था, सैकड़ों लोग आए थे, उसमें 80% महिलाएं थीं। उनके आत्मविश्वास को मैं देख सकता था। उनमें से एक शोभा कुमारी जी से मैंने प्रश्नोत्तर किया। शोभा कुमारी उस बभनगामा गांव की थी जिनकी दादी और माँ चूल्हे में गोईठे के साथ अपना जीवन बिताई थी। शोभा कुमारी को उज्ज्वला योजना का जो लाभ मिला, वो जिस आत्मविश्वास के साथ बता रही थी, मुझे ऐसा लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात कही थी, उसका साक्षात स्वरूप देखने को मिला। एक दूसरे गांव में मैं गया, वह बदौली गांव है। वहां सुनीता कुमारी जी से मैं मिला। सुनीता कुमारी की शिक्षा क्या थी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जीविका योजना के कारण जो उनका उन्होंने अपने सम्मान की बात कही, समाज में बढ़ती हुई सम्मान की बात कही, और आपात स्थिति में सस्ते दर पे जो उन्हें ऋण मिला, उसकी चर्चा की। तीसरा पड़ाव मेरा एक रघुनाथपुर साहेबपुर कमाल का था। उसी जिले में साहेबपुर कमाल ब्लॉक में रघुनाथपुर करारी एक गांव है, वहां सुनीता कुमारी मिली। जब मैंने अपने भाषण में उस कहानी का जिक्र किया जिसको मैं टेलीविजन चैनल पर कई बार बोल चुका हूं, जब मैं छोटा था और मेरी मां गोईठे से चूल्हे में भोजन बना रही थी, तो एक उनकी सखी आई और बोली, किसी का नाम लिया, वह नाम मुझे याद नहीं था मैं, लेकिन वो कहानी मेरे मस्तिष्क पटल पर अंकित हो गया, कि जब वह महिला शौच के लिए गई, किसी व्यक्ति ने उसके ऊपर टॉर्च जलाया और वो वापस आ गई। जब मैं ये कहानी बता रहा था तो महिलाओं के मैं दृश्य को देख रहा था और सबने कहा, जो आपने सुनाया वैसी ही घटनाएं एक या दूसरे रूप में घटती रही। लेकिन प्रेम लता कुमारी जी से जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा, शौचालय मिलना मेरे जीवन और मेरे परिवार के लिए सबसे बड़ा सम्मान का विषय है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि गरीबी को मापने का जो नया मापदंड बना है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, नीति आयोग ने, यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इनिशिएटिव जो ऑक्सफोर्ड का है, इन तीन दोनों के साथ मिलकर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया। सभापति महोदय, 2014 से लेकर 2023 तक में 24% जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी था,
वह लगभग 14% हो गया, 9% से अधिक गरीबी कम हुई। मैं जब विरासत की बात कह रहा था, जिस प्रेमलता जी की बात मैंने की, जिस सुनीता कुमारी की बात कही, जिस शोभा देवी की बात मैंने कही, जब इनके दादाजी थे तब कांग्रेस पार्टी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का नारा दे रही थी, समाजवादी प्रकार के समाज के निर्माण का नारा दे रही थी, लेकिन न शौचालय था, न घर था, न समृद्धि थी, न सम्मान था। जब उनके पिताजी आए तब कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा दे रही थी, लेकिन उनका परिवार उसी शौचालय के बिना, उसी घर के बिना, उसी सम्मान के बिना जी रहा था। आज परिस्थितियां बदली, इस सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी आपने 1948 में दिया, 8 साल के बाद आपने कहा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बनाएंगे, शब्दों का एर फेर करके देश की जनता को गुमराह करते रहे, और 56 के बाद 1971 में आपने कहा हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन देश वहीं का वहीं खड़ा रहा। सभापति महोदय, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय संस्था की टिप्पणियां 1980 के दशक में क्या होती थी, और नेहरू युग में जब हमारे खाद्य मंत्री विदेश जाते थे तो अमेरिका के कांग्रेस में, सीनेट में क्या बोला जाता था, उन टिप्पणियों को मैं दोहराकर भारत के अपमान को लोगों के मन में फिर से लाना नहीं चाहता हूं। किस प्रकार से हमारे खाद्य मंत्री को कहा गया कि कटोरा लेकर आप अमेरिका आए हैं, जिस प्रकार का अपमान भारत को सहना पड़ा, उसी सीनेट में भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए जो स्टैंडिंग ओवेशन हो रहा था, वो भारत की समृद्धि का, भारत के सम्मान का, भारत के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्व का एक परिणाम है। यह नेहरू युग और मोदी युग का एक महत्वपूर्ण अंतर रेखांकित हो रहा है। जो मैंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कही, दूसरा इंडिकेटर वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। 2015 में 139 देशों ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तैयार किया। 1 जनवरी 2016 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट लागू हुआ। 2015 में यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दो बातों को रेखांकित किया, वह सबको गौर से सुनना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी विल हैव अ ग्रेट कॉन्सिक्वेंस टू द वर्ल्ड एंड आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट। द वर्ल्ड विल बी ऑफ फ्यूअर चैलेंजेस एंड ग्रेटर होप्स। आज उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसका 2030 हमने एक समय निर्धारित किया है, पूरी दुनिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लाने के लिए, इस देश को इस बात के लिए गर्व करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की आर्थिक कार्य संस्कृति, हमारी सरकार की उस दृष्टि के कारण आज जो गोल निर्धारित हुआ है, जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है, उस लक्ष्य से हम आगे चल रहे हैं। 1.2 हम आगे चल रहे हैं, और पूरी दुनिया देख रही है कि ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे धनी देशों की तुलना में भारत 1.2 आगे है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम 2030 से आने से पहले प्राप्त कर लेंगे। तीसरा एक महत्वपूर्ण पक्ष इसमें आता है सभापति महोदय, स्थूल बातों की चर्चा हुई जिसमें पर कैपिटा इनकम जीडीपी की है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन देश में कुछ ऐसे सूक्ष्म बातें होती हैं जो छोटे स्थान पर रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इससे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के जो 12 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें शिक्षा भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनमें कई बातों में मैं एक बात का जिक्र करता हूं, जन औषधि केंद्र कैसे सामान्य व्यक्ति का जीवन इससे प्रभावित हुआ है। बड़े घरों में रहने वाले, बड़ी गाड़ियों से चलने वाले, दशकों से तक सत्ता का भोग करने वाले शायद जन औषधि केंद्र के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। 7 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के लाभार्थी से बात कर रहे थे, बात करते समय जिनका नाम था एंथोनी साहब से प्रधानमंत्री ने पूछा, वे पटना के थे,
क्या आपको क्या लाभ हुआ? जो एंथोनी ने कहा वह आंखें खोल देने वाली है। उन्हें प्रत्येक महीने 1200 से 1500 रुपए की दवाई खरीदनी पड़ती थी, जो सिर्फ 250 रुपए में हो रहा है। आज देश में 10,010 जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। उसी बातचीत के क्रम में एक दूसरे लाभार्थी से जब प्रधानमंत्री जी ने पूछा, मिस्टर बेहरा से, तो बेहरा ने कहा कि प्रत्येक महीने उनकी बचत 2000 से 2500 रुपए तक हो रही है। जो लोग अर्थव्यवस्था के ऊंचे शिखर पर बैठे हुए हैं, उनके लिए शायद 2000 और 2500 रुपए प्रत्येक महीने का महत्व मालूम नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने गरीबी में देखा है, गांव में रहे हैं, गरीबी से जो जूझते रहे हैं, उनके लिए 250 और 2000 2500 रुपए का महत्व है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे तमाम लोगों को जन औषधि केंद्र से लाभान्वित किया। एक दूसरा पक्ष देखिए, कैसी सूक्ष्म बातें देश के सम्मान को बढ़ाती हैं। 2020 में लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब एक बात कही, हमारी माताएं और बहनें पीढ़ियों से स्वास्थ्य की एक ऐसी प्राकृतिक समस्या से जूझ रही थी जिनके लिए उनके पास शब्द नहीं थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सैनिटरी नैपकिन को सामान्य महिलाओं तक पहुंचाने की बात करके ना सिर्फ उस टैबू को तोड़ा, आज जन औषधि केंद्र में, मैं आज से 6 महीने पहले की आंकड़ा बता रहा हूं, 21 करोड़ सैनिटरी नैपकिन सिर्फ जन औषधि केंद्र से बिका है। वहां जाने वाली जो महिलाएं हैं वे अत्यंत ही सामान्य परिवार की डिप्राइव्ड महिलाएं हैं। इसी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया, तो मैं जानता हूं उस वक्त हमारे विपक्ष के कई साथियों ने उसका किस प्रकार से माखौल उड़ाया था। आज देश स्वच्छता अभियान में 21% जो डिप्रिवेशन था उससे आगे बढ़ चुका है। ठीक उसी प्रकार से फ्यूल डिप्रिवेशन में लगभग 14% आगे बढ़ चुका है। यह जो गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दृष्टि है, जो एक योजना है, उसका एक स्वरूप देखिए। आईएमएफ हम पर क्या टिप्पणी करता था और आईएमएफ के अधिकारी हमारे बारे में अभी क्या कहा, जब डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में उन्होंने कहा, यह एक चमत्कार, एक तार्किक चमत्कार है, इट इज लॉजिस्टिकल मार्वल। ऐसा क्यों कहा? मैं दो आंकड़े आप सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। 2023-24 में 3,28,000 करोड़ का डीबीटी होने का अनुमान है। उससे जो एस्टिमेटेड सेविंग है, सिर्फ फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को 18,000 करोड़ की सेविंग है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को 40,000 करोड़ की सेविंग है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को 72,000 करोड़ की सेविंग है, और सबसे अधिक सेविंग फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 1,35,000 करोड़ की एस्टिमेटेड सेविंग है। यह जो होल इन दी बकेट, जो बाल्टी में छेद की कहानी कांग्रेस पार्टी रचती रही, जो ट्राइबल बेल्ट में पैसा जाता था, जिसके लिए रामदयाल मुंडा जी जो ट्राइबल स्कॉलर थे उन्होंने कहा था, यू आर पाइपिंग मनी इन ए लीकेज सिस्टम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सारे लीकेज सिस्टम को बंद कर दिया है। जो मैंने कहा 2,73,000 करोड़ का एस्टिमेटेड सेविंग इस देश को मिल रहा है, जो गरीबों तक पहुंचता है, पहुंचेगा। जो दूसरा पक्ष, आज मैं पश्चिम बंगाल के अपने मित्र को सुन रहा था, गरीबी और बेरोजगारी की चिंता व्यक्त कर रहे थे। मुझे दुख है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने लंबे शासनकाल में पश्चिम बंगाल को की जो स्थिति कर दी, मैं उम्मीद करता था कि दूसरी पार्टी आकर सुधारेगी। आज लोएस्ट पर कैपिटा इनकम यदि किसी राज्य में है वो पश्चिम बंगाल है। इसलिए आज चुनौती उन राज्यों के लिए है कि देश में विकास की जो दृष्टि है उसके साथ चले।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृतकाल का नारा दिया। पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन का एक महत्वपूर्ण अंतर होता है, राजनेता जो राजनीतिज्ञ होता है वो सिर्फ 5 साल के दौर में से देखता है। इस देश को 1947 से 5 साल के दौर से देखा जाता रहा, इसलिए देश में नीतियों के नाम पर पॉपुलिज्म, अल्ट्रा पॉपुलिज्म की बातें होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अमृतकाल की बात कही, एक समय योजना आयोग प्रस्पेक्टिव प्लान बनाता था 10 साल आगे का। समाप्ति महोदय, मैं एक मिनट समाप्त करता हूं। अमृतकाल 25 साल के जो देश के लिए लक्ष्य रखा, वो अमृतकाल का लक्ष्य क्या है? SBI ने एक स्टडी किया है, आज हम 7 करोड़ लोग टैक्स पेयर हैं, लेकिन 2047 में SBI का जो स्टडी हुआ, जो वैज्ञानिक तरीके से स्टडी किया है, उसमें 48 करोड़ लोग टैक्स पे करेंगे, जिसमें 83% लोग टैक्स पे करेंगे, सिर्फ फाइल ही नहीं करेंगे, टैक्स पे करेंगे, और पर कैपिटा इनकम 50 लाख रुपए का होगा। सभापति महोदय, जो मध्यम वर्ग की का जो फलक बढ़ रहा है, आज भी 2047 तक 61% देश में मध्यम वर्ग होगा। इससे मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति बदलती है, आप आलोचनात्मक रहें, लेकिन जब देश विकास के दौर से गुजर रहा है, जब दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री जब जाते हैं, उस देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, जो इंजीनियर डॉक्टर 47 के बाद से हमारे IIT NIT से पढ़कर, हमारे मेडिकल कॉलेज से पढ़कर अमेरिका और जापान और इंग्लैंड जाते थे, वे भारत की ओर आ रहे। पहली बार दुनिया के अखबार यह लिख रहा है कि रिवर्स माइग्रेशन विल मेक इंपैक्ट ऑन सिलिकॉन वैली। ये इस स्थिति के कारण मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाकर आज वहां खड़ा किया है जिसमें सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास है। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable members, 9 speakers are already listed. The tone of the discussion was set with positivity by Derek O'Brien. I have got a request from number of members, including the main opposition party, that more members are keen to participate. I would accommodate them. We have had a very fruitful debate, and I am sure it will lead to good conclusions. I have therefore decided that the discussion will continue tomorrow as well. Now we will take a special mention.